नमस्कार दोस्तों, रंजीत तंजोर आर्ट में आपका स्वागत है। और आप लोग बागेश्वर बालाजी सरकार की पेंटिंग देख रहे हैं। ये मैंने इनके आशीर्वाद से पेंटिंग बनाना स्टार्ट किया है। जिनकी धूम देश विदेश वर्ल्ड में सब दूर हो रही है, बागेश्वर सरकार हनुमान जी की। ये वही बागेश्वर धाम के हनुमान जी हैं। और मैंने संकल्प लिया है कि पेंटिंग बना के, और जो बागेश्वर सरकार के प्रिय है धीरेन्द्र शास्त्री जी गुरुदेव को भेंट करने का, तो उसी संकल्प से ये पेंटिंग मैंने स्टार्ट की है। और देखो, हनुमान जी से प्रार्थना है कि मेरा संकल्प पूरा हो। तो काफ़ी काम पेंटिंग में हो चुका है, गोल्ड लग चुका है, गोल्ड की जो डिटेल है वो स्टार्ट की है मैंने। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे इष्ट भी हनुमान जी हैं, और उन्हीं की पेंटिंग बनाने का मुझे अवसर मिला है। इन भगवान हनुमान जी बागेश्वर धाम वाले और ने मुझे इस लायक बनाया है कि उनकी पेंटिंग बना सकूं। तो पूरी 3D पेंटिंग है, और एक एक चीज कौन से उभार कर पेंटिंग बनी है। कोशिश पूरी की है कि सेम जो बागेश्वर धाम में हनुमान जी का मंदिर है और हनुमान जी है, सेम वैसे ही मैं बनाऊं, और प्रयास वैसे ही बनाने की कर रहा हूं। अभी काम रहता है पेंटिंग में, काफ़ी अभी काम है। गोल्ड में डिजाइनिंग होगी, गोल्ड में शेडिंग होगी, उसके बाद उसकी आउटलाइनिंग होगा, कलरिंग का काम है, फल जो नीचे दरबार में रखे हुए हैं वो बनाना है, और हनुमान जी का चेहरा सजाना है। तो काफ़ी प्रसन्नता के साथ मैंने, और अच्छे संकल्प के साथ मैंने पेंटिंग चालू की है। तो काफ़ी जल्द पूरी होने वाली है, आधा ऊपर काम हो चुका है। और किस तरह से काम होता है कुछ आप लोगों को भी दिखाता हूँ मैं। गोल्ड में जो ये डिजाइन ये उठा रहे हैं, ये उठाई है अभी तक, और इसके बाद भी ये हल्के कलर से उठाई है। इसके बाद ज़रूरत होगी तो थोड़ा और डिजाइन उठाएंगे। और किस तरह से शेडिंग लग रही है ये मैं दिखाता हूँ। एक जगह कई बार कलर लगाना पड़ता है, क्योंकि और वो भी रुक के, जब तक वो सूखे नहीं दूसरा कलर तो मिक्सिंग नहीं होगा।
पूरी ये डिजाइन सारे उठेगी, एक एक चीज इसमें शेडिंग से उठेगी, और उसके बाद में कलरिंग का काम होगा। यहाँ पे अभी फिलहाल एम्बोज भी रहता है, चेहरा बनाना बाकी है, और ये फल वगैरह सारे ही बनाने बाकी हैं। तो इन सब के चल रही है, और जैसे ही कंप्लीट होगी तो भगवान हनुमान जी की प्रेरणा से मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी से संपर्क करने की कोशिश करूँगा, और हो सकता है भगवान की मेहरबानी हो जाए तो उनसे संपर्क हो जाएगा। और संकल्प यही है मेरा कि उनको धीरेन्द्र शास्त्री जी गुरुदेव को पेंटिंग मेरी तरफ से भेंट करना है हनुमान जी की। ये मेरे दिल में प्रेरणा काफ़ी टाइम से थी, और अभी कम से कम ये 15-20 दिन हो गए ये शुरुआत की पेंटिंग की। तो कोशिश यही है कि जैसे बन रही है, जैसे हनुमान जी वहाँ पर हैं वैसे ही वो मेरे हाथ से बनवाएं, और प्रयास कर रहा हूँ। तो जितने उतार चढ़ाव वहाँ पिलर के हैं, शेडिंग के हैं, वो सारी चीज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वैसे ही बनाऊं। कितने ही मेरे स्टूडेंट हैं जो गोल्ड में शेडिंग कैसे लगाते हैं पूछते हैं, ये वीडियो देख के वो गोल्ड में शेडिंग लगा सकते हैं। इसके अलावा मैंने कम से कम 27 वीडियो अपने अपलोड कर रखे हैं पेंटिंग सिखाते हुए, किसी के कोई क्वेश्चन रहते हैं तो वो वीडियो देख सकते हैं, और उसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और पूरे NCR में मैं पूरे पेंटिंग की क्लास लेता हूँ। मैं किसी को सीखना हो तो मेरे से सीख सकते हैं, और होम क्लास भी देता हूँ मैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9313322431, और हर तरह की पेंटिंग बनाते हैं। कम से कम YouTube में मैंने 500 वीडियो अपलोड कर रखे हैं पेंटिंग के। तो इस तरह से शेडिंग चल रही है। और जल्दी ही पूरी पेंटिंग बनेगी। जैसे जैसे पेंटिंग में आगे काम बढ़ता रहेगा वैसे मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगा, क्योंकि इस पेंटिंग को बनाते हुए मुझे दिल ही खुशी हो रही है। एक तो हनुमान जी की मेरे इष्ट है, दूसरे बागेश्वर बालाजी, तीसरे गुरुदेव को देना है, तो मेरे लिए बहुत ही खुशी के पल हैं। और इस मेरे खुशी के पल में मैं आपको ज़रूर शेयर करना चाहता था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर ज़रूर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, और इससे आगे जो भी काम होगा मैं आपको वो बना के और आपके साथ शेयर करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।